गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्रूड में बहुत सारे लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं, नमस्ते भाई बोलते हैं, मेरा 6450 का सी होल्ड है, 140 पर बाई किया था, है ना, वो 60 पर चल रहा है इस टाइम पे, 17,000 का लॉस है। और इनका कहना है कि वो इनकी स्कूल फीस थी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक भी ट्रेडिंग का नहीं पता है कि लॉस मेकिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो, ये क्या बोल रहे हैं आप सुनो, वो मेरे क्लास की फ़ीस थी क्या मनी, मुझे बहुत लॉस हो गया है भाई, 1,40,000 के लॉस में हैं ये। और ये नीचे क्या लिखते हैं, देखो सुसाइड करना पड़ेगा, होल्ड नहीं करनी चाहिए, किस उम्मीद में होल्ड कर लेते हो समझ में नहीं आता, मार्केट नीचे जा रही है आप सी होल्ड कर रहे हो, पता नहीं कौन सिखाता है इस तरह की ट्रेनिंग, कौन आपको मार्केट में इस तरह से डायरेक्ट उतार देता है बिना कुछ सीखे समझे, बस सीधा आओ अपना पैसा लगा दो और चीजों को चलने दो, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको बिना सीखे ट्रेड करोगे ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट होगी, जो लॉसेस उसको काटना होता है, लॉसेस को होल्ड नहीं करना होता अगले दिन के लिए, प्रॉफिट वाला ट्रेड अगले दिन के लिए होल्ड करना होता है। अब मैं चाह करके भी क्या कर सकता हूँ बोलो, मैं तो मार्केट को ऊपर ला नहीं सकता, ला सकता तो लेकर आ जाता, बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ रिकवर करवा देता, ऐसा नहीं होता। और यही बात सुसाइड की, तो सोच के देखो ना, थोड़े से पैसे के लिए तुम अपने माँ बाप को अनाथ छोड़ के जाओगे जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर उम्मीद से बड़ा किया है, ठीक है, ऐसी जीवन में कोई समस्या आती है ना तो उसका हल मरना नहीं होता है, उसका हल होता है अपने माँ बाप को बताओ कि पापा मेरे से ये गलती हो गई, वो ज्यादा ज्यादा गुस्सा होंगे, थोड़ा सा डांटेंगे और फिर उस चीज को नॉर्मलाइज हो जाएगा, तुम मर जाओगे तो उनको उनके ऊपर क्या बीतेगी सोच के देखो, और तुम्हारे मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ दो लोगों को फर्क पड़ेगा, तुम्हारे किसी भी रिलेटिव को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तुम्हारे माँ बाप को, बस समझ के देखो। कुछ लोग जो तुमसे नफरत करते होंगे तो खुश ही होंगे यार, अच्छा हुआ साला मर गया, किसी को सबसे ज्यादा पेन होगा तो वो माँ बाप को, क्योंकि कोख में 9 महीना पाल करके किस तरह से बड़ा करते हैं इस दिन, ये दिन दिखाने के लिए कि मैं मर जाऊं। और कायर लोग ऐसे मरने की बात करें, जो कायर होते हैं ना, तुम कायर हो क्या, कायर तो नहीं लग रहे मुझे, तो फालतू की बातें नहीं करना, मरने मराने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, मैंने तो 1 crore का लॉस किया था, मेरे को तो कब का मर जाना चाहिए था, मैं मरा क्या, नहीं मरा ना, तो फिर ऐसे क्यों सोच रहे हो, ऐसे नहीं सोचना है, आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, एक बाउंस मिलना चाहिए छोटा सा, उस बाउंस में एग्जिट की सोचना, एग्जिट कर लेना अपने लॉसेस को, फिर अच्छे से सीखो। और पहले तो तुम स्टूडेंट हो तो तुमको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, फिर भी तुम्हें करने का दिल है तो पार्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा पहले सीखो, पेपर ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस करो, तब जाकर के पैसे रिकवर होंगे। अब मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर जितनी भी लर्निंग देता हूँ उसमें कहीं नहीं मैंने बताया है कि कोई भी ओवरनाइट पोजीशन जो डैमेज में जा रही है उसको होल्ड करना, मैंने हर वीडियो में यही बात बोली है कि आपकी जितनी भी ओवरनाइट पोजीशन है, अगर आप बिगनर हो, आप अभी कभी प्रॉफिट कभी लॉस करते हो, तो आपको कभी ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखनी, सबसे बड़ा रिस्क रहता है। और देख लो आज अपनी मार्केट को 1.5% नीचे खुलने जा रही है, जिसने सी होल्ड किया होगा उसकी क्या हालत होने वाली आपको आइडिया है? अरे आप एक एक लॉट दो दो लॉट से लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो, लाइव मार्केट में पैसा बना पाए तो ठीक, नहीं तो ओवरनाइट होल्ड करने से पैसा तो किस्मत के भरोसे बनता है, और आपकी किस्मत कितनी अच्छी है ये आपको भी पता है, किस्मत साथ देती है क्या, दिल पे हाथ रख के रिप्लाई करना कमेंट्स में, नहीं करती ना, तो फिर क्यों ऐसा करते, मत करो। और मरने की बात तो सपने में मत सोचना, कभी मत सोचना, पैसा कुछ भी नहीं है, आपके मर जाने से अगर पैसा आ जाता तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मरने से पैसा नहीं आएगा, मरने से माँ बाप का जो एक सहारा है ना वो छिन जाएगा, ऐसा नहीं सोचना कभी जिंदगी में, सोचना हर प्रॉब्लम का हल है, सीखेंगे यार मिलके सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय, लव यू।